फाइनली आ गया वॉशिंग मशीन। चेक कर लीजिए सर, डेड एंड। हाँ, चेक कर लेते हैं पहले। कितना बड़ा, वाह। ठीक है, देख लो व्यू। हाँ ठीक है व्यू। तो ये आ गया मेरा फाइनली फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हाँ रखना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ व्यू। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी से अपना ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपना थायराइड का जो दवाई है वो मैं लेती हूँ, एंड उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो बस थायराइड की दवाई लूँगी, एंड उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा। जो भी करूँगी कुछ कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, सारा चीज़ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप लोगों को बोर लगेगा। तो बस यही बात है, स्टार्ट करती हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर ली हूँ कुछ इस तरह से, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत का सामान है कुछ कुछ रखे है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा बहुत जगह में है, लेकिन जो जो आटा है ऑब्वियसली उसको रखे है। तो ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है, ये वेफर है, रख दिए हैं। और इधर में लिपस्टिक, थोड़ा बहुत लिपस्टिक यहाँ पे रखे हैं, ब्रश वगैरह, एंड ये वाव का क्रीम है। सो यही बात है, यहाँ पे जितना ब्रश है, जो ज़रूरी ब्रश है उसको रखे हैं। नीचे एक ज्वेलरी बॉक्स रखे है जहाँ पे बहुत सारा इयर रिंग्स है छोटा मोटा, एंड यहाँ पे टोनर वगैरह कंघी है जॉनसन वर्ड्स। देन यहाँ पे मेरा, हम यही वाला क्रीम यूज़ करते हैं नाइट के टाइम, लोटस वाइट ग्लो। एंड ये है मेरा, ये मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फेवरेट है बोल सकते हैं, वाओ का सनस्क्रीन। सो ये बहुत अच्छा काम देता है। एंड यहाँ पे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की हूँ, एंड अंदर भी इसी तरह से मेकअप वगैरह है। हर ताक में 1, 2 एंड 3, इसमें भी लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक, बहुत कुछ है, आईलैशेस, एंड यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है। तो बस इस तरह से चल रहा है। एंड नीचे देखिए, नीचे भी ऐसे ही ज्वेलरी है रख दिए है। यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज, फिर आईलैशेस, तो ये सब रखे यहाँ पे भी, शायद लिपस्टिक, आई शेडोस। सो यही सब है, हाइलाइटर, ईयर एक्सेसरीज, यही सब। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे तार और सॉकेट रखा हुआ है जो आज यहाँ पे फिट होगा, यही बात है। एंड मेरा अलमारी का अवस्था देख लीजिए, अलमारी का क्या हालत है। सारा कपड़ा मैं नीचे कर दी हूँ। सो इसे मैं फिर से, हाँ, थोड़ा सा अच्छा से ऑर्गेनाइज करूँगी। यहाँ पे भी कुछ रखे हैं। सो यही बात है। एंड ये सब आया है, न्यू साड़ी मेरा दिवाली में आया है। तो सो ये ब्लाउज है, एंड देन ये साड़ी है। सो बहुत अच्छा आया है ये साड़ी। तो ऐसे बहुत कुछ आया है मेरा, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये भी एक सूट है। तो चलिए ऑर्गेनाइज कर लेते हैं पहले, आप उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो मेरा अलमीरा कंप्लीट हो गया, सरियाना सब कुछ। सो अभी मेरी बेटी स्नेहा अभी लेके आई है बिरयानी, तो वही अभी दे रहे हैं। एंड यहाँ ऑब्वियसली चिकन भी लेके आए हैं, बोनलेस चिकन, जो मैं करूँगी अभी दोपहर में लंच में, तो वो बापी के लिए देखते हैं। तो अभी स्नेहा ये सर्व कर रही है, निकाल रही है बिरयानी।
तो मन हुआ कि थोड़ा सा बिरयानी खाने का, तो बस नेहा ही लेके आई है। यही मेरा बेटा है, बेटी है। अरे वाह, सलाद अलग से, ये देखो गरम गरम बिरयानी चिकन, आहा। तो दो प्लेट निकाल रही है, एक अपने लिए एक अपने मम्मी के लिए। एंड आ गया मेरा पार्सल, यही बात है। एंड ये ग्लू भी हम लिए है, सिलिकॉन का आया है अभी फ्लिपकार्ट से, तो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं क्या यूज़ करके देखेंगे। और एस्ट्रेंजर भी आया है, देखिए कितना सारा एस्ट्रेंजर आ गया है। सो बस ये है, स्नेहा बोली मम्मी कितना सारा एस्ट्रेंजर तुम लिए हैं, देखो कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा। हम सोचे बड़ा वाला आएगा लेकिन आया छोटा छोटा, सो बहुत दिन चल जाएगा। ये एस्ट्रेंजर मेरा बहुत ज़रूरी है, इतना सारा आया। एंड अभी ये न्यू चेयर आया है, एक साथ दो रखा हुआ है। तो चेयर का ज़रूरत हो ही जाता है। तो स्नेहा स्टार्ट करते हैं, चम्मच लेके नहीं आई, इसको हटाने के बाद। ओके, ये सब हटा दो, बॉटल हटा देते हैं। सो ये है जो बिरयानी के साथ, देखिए एक कुरकुरी लेकिन फ्री है। ये कल लाए थे ऐसे, सेव का भाजी सब, ये सब लेके आए थे, तो यही बात है। तो अभी हम लोग खाएंगे माँ बेटी। तो अभी चीकू चावल खा रहा है, देखिए खड़ा करके, कान को खड़ा करके सुन रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। मेरा चिकन का कलर लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, एंड हुआ है बहुत अच्छा। तो अभी जस्ट पार्लर से आए हैं, मेरा ऑयल मसाज होगा, फुल बॉडी मसाज करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बस उसी का तैयारी कर रहे हैं, और खाना पीना खाने के बाद बहुत देर तक रेस्ट लिए, बहुत सोए अच्छा खासा, मोटा मोटी आधा घंटा तक आँख लग गया था पूरा। तो स्नेहा अभी ट्यूशन चले गए, एंड बापी आए खाना खाए, बस यही बात है। एंड वॉशिंग मशीन में कपड़ा मेरा धुला गया है, सो आज थोड़ा मशीन को चेंज करते हैं। मैंने आपको बताए थे, मेरा पहले ब्लॉग जो भी देखे होंगे, मैं पहले बताए थे कि मैं कुछ कुछ चीज़ हमेशा चेंज करते, हमेशा मतलब क्या, चेंज करते रहते हैं कुछ साल बाद बाद। तो ये वॉशिंग मशीन मेरा 2 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ, तो अभी मैं फुल्ली ऑटोमेटिक एक लेने वाली हूँ, तो वही आएगा। तो यही बात है। सो ये वॉशिंग मशीन भी अच्छा है, तो मैं जिसको भी देती हूँ मेरा सामान एकदम ख़राब करके तो नहीं देती हूँ, हाँ बहुत अच्छा कंडीशन में रहता है तभी देती हूँ। और ये है 7.5 kg, अभी जो आ रहा है वो 7 kg का है। सो देखिए यहाँ पे हम कपड़ा धोते हैं, तो ये उठा लेंगे, अभी तुरंत दिए थे तो ठीक है, तो ये बात है। एंड यहाँ पे ड्रायर है, तो यहाँ पे एक खूबी है ड्रायर में, क्या होता है ना, मतलब अगर आप पानी में जैसे कि यहाँ पे सर्फ देके डिटर्जेंट देके वॉश कर रहे हैं वो इट्स ओके, लेकिन इधर में क्या होता है ड्रायर में जैसे सूखता है कपड़ा दे दिए फिर स्पिन हो रहा है, तो वो अलग है ड्रायर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पानी अगर ये वाला जो है देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम पानी चलाते हैं तो जैसे कि इधर में है तो इधर पानी गिर रहा है, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगी तो तुरंत पानी इधर गिरेगा, एंड आप वॉश एक बार करके देन तुरंत आप ड्रायर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है इसमें, तो अभी जो आएगा वो फुल्ली ऑटोमेटिक आएगा। इसे ड्रायर करने के लिए फिर दे देती हूँ, तो इसके बाद से वो फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है वो आएगा, तो अभी इसको मैं अभी ड्रायर में दे देती हूँ। सो फाइनली आ गया वॉशिंग मशीन, चेक कर लीजिए सर, हाँ चेक कर लेते हैं पहले।
इतना बड़ा, वाह। देख लो प्यू। हाँ ठीक है प्यू। तो ये आ गया मेरा फाइनली फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हाँ आप लोग थोड़ा थोड़ा रहिए, आप लोग का भी फोटो ले लेंगे। अब कुछ भी होगा या कुछ भी अगर मान लीजिए होता है और नहीं चल रहा, ये चल रहा है, वो टेक्नीशियन बोलेगा भैया आके और इंप्लीटर भी ले जाएगा। फाइनली आ गया है वॉशिंग मशीन और मैं ये इस बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में अभी इसे फ़िलहाल ऐसे यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे जाएगा खाली था क्योंकि हॉल में रखना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। तो मेरा देखो ड्रायर हो गया, इतना सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, अभी बाहर में रखेंगे क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है। और फिर से इतना सारा कपड़ा जमा हो गया, इसमें धोना फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये भी तुरंत धो लेंगे हमसे। फाइनली हम व्यू को धनतेरस का गिफ्ट दे दिए, आई एम वेरी मच हैप्पी। और कुछ नहीं दीजिएगा? नहीं और कुछ नहीं दीजिएगा। अब हम डेली मेरा माथा को वॉशिंग मशीन में डालिए, धोइए, ड्राई कीजिए, सुखाइए। अब वॉशिंग मशीन ऐसा बात नहीं है, था ही पहले से। आपका पास दो दो वॉशिंग मशीन है? दो दो इसको बेचेंगे? नहीं क्या? नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे ना। तो यही बात है, तो बस देखिए इसलिए नहीं बेचेंगे। हाँ एक में चादर उधर का चीज हाथ धोइए, एक में स्कूल यूनिफॉर्म और हमारा अच्छा गारमेंट सब उसी में धोइए। तो बापी बहुत एक्साइटेड था इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए, हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड बापी। और पता नहीं अभी तो यही बात है, ब्लॉग ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं आगे क्या करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए आपके एक स्टूडेंट तुलसी पत्ता देके गया है। हाँ, बोला थे स्कूल में। कितना अच्छा से देके गया है। देखिए तुलसी पत्ता मांगे थे और उनका बुद्धि देखिए, एक मतलब ऐसे ही एक प्लास्टिक में मिट्टी भर के देके गया है। इसको लगा देते हैं ना वहाँ पे, अच्छा होगा। एक टीना पुराना प्लास्टिक में वहाँ पे, चलिए थोड़ा सा मिट्टी ले आते, छत में रख देते हैं। हाँ ये भी सही रहेगा ना। हाँ छुट्टी दारुण माने बुद्धि टचलेटर। हाँ छत में रख देते हैं, डेली उसमें एक एक बार करके पानी देते जाएंगे। वहाँ तो पंप चलता है, पंप से पानी लेके झालेंगे वहाँ पे। मैं आज आंटी को फोन किए थे मेरा हेयर एक्सटेंशन के लिए, बोले दिवाली के बाद आने के लिए। इनका सब हेयर सुनने से मेरा हेयर अब नहीं रहता है। इसका सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, हेयर के लिए नहीं, 6-7 घंटा बैठना पड़ेगा। बाप रे बाप, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तुम अकेले चले जाओ, ड्राइवर के साथ चले जाओ। लेकिन फाइनली इतना बोलने के बाद भी फिर खुद बापी खुद ही ले जाता है, बेकार बोलना। सो एक्साइटेड है। आओ ये वॉशिंग मशीन सैमसंग का है, बोलने ही भूल जाते। आप बोले थे हमको ड्रेसिंग टेबल तैयार कर दिए हम। आप बोले थे हमको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, बापी तैयार कर दिए। आप डेली हम मेरा मुड़िया धोइएगा, सर्फ एक्सेल से ड्राई कीजिएगा। चलिए अभी करते हैं। वो वाला वॉशिंग मशीन चला है अभी, तो तुरंत चला है, कपड़ा का मतलब मेल लगा दिया। दे ये सब फिर से हमको सरियाना पड़ेगा, बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया है। वो पैंट दे दीजिए ना, दे दे वो वाला भी। आज लेकिन बापी बहुत खुश है, आज हम ठीक टाइम में फ्रूट्स खा रहे हैं, मतलब आज 12 बजे खाना हम खा लिए थे, तो बापी का खाना खत्म हो गया है। अभी हम खा रहे हैं एकदम, आज एकदम ठीक टाइम में। अभी घड़ी में हो रहा है 3 बजे फ्रूट्स खा रहे हैं। दूसरा दिन हो जाता है 4 बजे आता है। आज खुश है? तो मसाज जो हुआ ना, उफ ऑसम, एकदम पूरा नींद आ गया मुझे, बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि बॉडी मसाज सही में बहुत ज़रूरी होता है। और अभी ये देखिए स्नेहा ट्यूशन से आने के समय लेके आया है मोमो, तो मैं यहाँ पे अभी मोमो का एंजॉय ले रही हूँ। मैं वेज मोमो खा रही हूँ। हाँ, तो हम और स्नेहा अभी शाम का वेज मोमो खा रहे हैं, क्योंकि स्नेहा बोल रहे हैं कि रोज़ रोज़ दूध पी के एक ही टाइप का हो गया है, तो यही बात है, और इसलिए आज थोड़ा सा मोमो खा रहे हैं। एंड वहाँ किचन में दीदी अभी रोटी बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, बस यही बात है। तो और नाश्ता भी लेकिन स्नेहा आज बहुत अच्छा बनाई थी, पराठा दीदी बना के गई और स्नेहा जो सैंडविच जो दे के ब्रेड किया था बहुत अच्छा है ना, तो यही बात है। तो वॉशिंग मशीन उस घर में रख दिया है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यही मशीन में अभी भी कपड़ा धुल रहा है। सो फाइनली यहाँ पे रोटी तैयार है बनके, एंड देन यहाँ पे आलू पपीता मैं काट के रखी हूँ, एंड कुछ बॉयल आलू भी है, धनिया पत्ता, तो सब दे के बाड़ी दे के थोड़ा सब्जी बनाएंगे। सो नाइट का सब्जी आके बनाते हैं, अभी थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ लेंगे, तो पापी अभी वेट कर रहे हैं बाइक में, सो यही बात है। तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ, तो बस यही बात है। तो चलिए तो अभी ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट टू एंड लव यू टू ऑल।